भगवान को मानना और ना मानना एक विवादित बयान हो सकता है। जैसा कि कोई कहेगा कि भगवान को जो नहीं मानता है वो बुरा चीज़ों से लिप्त होगा, जो भगवान को मानेगा वो अच्छे कर्म करेगा, लोगों की सेवाएं करेगा। जबकि मेरे नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर वर्तमान जो भी शासन व्यवस्था है उससे उसको ध्यान में रखकर लोग बुरा कर्म करने से डरते हैं, इसलिए वो बुरा कर्म नहीं करता है। कुछ लोग भगवान को मानते हुए भी बुरा कर्म करते हैं, ऐसा भी है। और भगवान को ना मानने वाला बुरा कर्म ही करेगा, ये मैं मान नहीं सकता, क्योंकि वो वर्तमान शासन व्यवस्था को मानता है। यदि हमने गलत किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, और किसी भी तरह का गलत काम करने से पहले वो सोचेगा। तो पहली बात दोस्तों, भगवान को मानना मानना और ना मानना ये स्वतंत्र अपना अपना स्वतंत्र विचारधारा है। आप जैसा चाहें वैसा मान सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे मैं तार्किक रूप से विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इंसान एक विकसित प्राणी है, जो कि सभी प्राणियों जो कि बाकी प्राणियों के मुकाबले इनकी समझ बुझ सबसे अधिक है। तो इंसान होने के नाते हमें हमारा ये उसूल बनता है कि अच्छी कर्म के लिए हमें उत्सुक होना चाहिए और अपने कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारा ये यही उसूल रहेगा कि अच्छे कर्मों के लिए हमारा जीवन को योगदान देना चाहिए। आजकल अक्सर मैं देखता हूँ लोग अपने समाज में बहुत तरह का अंधविश्वास होता है। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण देता हूँ आप सबको। एक अपनी बूढ़ी माँ कहती है, जब भी मैं मर जाऊँ तो मुझे पूरी ले जाकर, पूरी एक जगह का नाम है, वहाँ पर ले जाकर मुझे अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो अपने घर से 80-100 किलोमीटर की दूरी में पूरी जगह का नाम है, अपना घर से थोड़ा काफ़ी दूर है। तो जब भी उनका अंतिम संस्कार होगा तो उनके लिए जो खर्चा उठाना पड़ेगा, उनके परिवार वालों को उठाना पड़ेगा। तो हमारा ये मकसद
है कि अंधविश्वास वो उनकी माँ का जो कहना था कि पूरी एक उड़िया वासियों का धार्मिक स्थल है जहाँ पर मुर्दों को अंतिम संस्कार किया जाता है और पवित्र माना जाता है। तो हमारा जो कहने का मतलब है, हम अपने बीवी बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रुपए अपना सेविंग बचा के रखें और ऐसे अंधविश्वास जो रूढ़िवादी जैसे विचारधारा पर अपना कमाई व्यर्थ में ना जाने दें। तो इतनी जो भी उनके घर से इतना दूरी में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो जो भी खर्चा उनको उठाना पड़ रहा है उस वो पैसा ना खर्चा करके अपना जीवन को और बेहतर बनाया जा सकता था। जबकि यहाँ पे ऐसे विचारधारा को लेकर के हमारा जो भी आर्थिक स्टैंडर्ड है वो लूज होते जा रहा है। थैंक यू सो मच।